अंजर नगर के राजपुर रोड पर स्थित चार मकानों में गुरुवार शुक्रवार दरमियानी रात सेंधमारी कर चोरी की घटनाओं को सिलसिलेवार अंजाम दिया गया है। वहीं शुक्रवार पड़ोसियों के द्वारा चोरी की घटनाओं की जानकारी मकान मालिकों और पुलिस को मोबाइल लगाकर दी गई है। दरअसल राजपुर रोड सानी रेसिडेंसी निवासी कपिल पिता परसराम महाराष्ट्र गए थे, जिनके सुने मकान को चोरों ने निशाना बनाया, जिनके यहां से 25,000 रुपए नकदी और एक सोने की चेन की चोरी हुई। वहीं इसी कॉलोनी में निवासरत भगवती बाई छोगालाल पाटीदार, जो कि अपनी बीमार सास के पास बर्दा बसाहट में गई थी, जिनके मकान से 15 ग्राम सोने की चैन चांदी की पायल सहित 15,000 से 17,000 रुपए नकद चोरी हुए। वहीं ठीक पास लगी शिवधाम कॉलोनी में अंजड सीएम राइस स्कूल की शिक्षिका श्रीमती अंगूरवाला सेठिया सोलंकी, जो कि निमच मैन माता का पूजन करने अपने परिवार के साथ गई थी, उनके सुने मकान के ताले चटका कर 30,000 से 40,000 रुपए नकदी सहित महिलाओं और बच्चों की पायल चोरी हुई है। तो वहीं पास ही लगे रिहायशी क्षेत्र में रहने वाले कपिल जादव के मकान में चोरों ने पिछले दरवाजे का ताला तोड़कर घर के पीछे कमरे में रखी अलमारी का ताला तोड़कर उसमें रखे 28,000 रुपए 10 से 12 जोड़ चांदी की पाजेब और बिछिया व दशहरा त्योहार के लिए लाए नए कपड़ों की चोरी हुई। पुलिस को इसकी सूचना देने पर जांच शुरू की गई है। वहीं एक सुने मकान में चोरी की नियत से दबे पांव घुसते हुए दो बदमाश रात 2 बजे सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हुए हैं। इधर अंजड़ थाना प्रभारी गिरवर सिंह जलोदिया, सब इंस्पेक्टर बी ए चौहान भी दलबदल के साथ पहुंचे और पीड़ितों के बयान दर्ज कर वह मोबाइल फोन से संपर्क साधा। वहीं पुलिस ने बड़वानी से फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट व अन्य जांच अधिकारियों के साथ चोरों की तलाश निकाली जा रही है, साथ ही सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। आप तक न्यूज चैनल के लिए मोहम्मद यूसुफ खान की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? कपिल यादव। कहाँ रहते हो? अंजड़। कौन सी कॉलोनी है? कॉलोनी नहीं, राजपुर रोड अंजड़। अच्छा, कार धर्मशाला के पीछे। क्या घटनाक्रम हुआ आपके यहाँ पे? चोरी हुई है। अच्छा, कब की घटना है ये? रात की बात है, 3 या 4 बजे के बीच। कितना क्या नुकसान हुआ है? नुकसान 28,000 रुपये नकद थे और 10-12 जोड़ी पाँव की बिछिया और ये थी। अच्छा, और उसके अलावा कोई दूसरा? मेरे नए कपड़े ले गए। अच्छा, पुलिस को सूचना दी? पुलिस को सूचना दी थी। आपके अलावा और दूसरी जगह भी यहाँ पे चोरी हुई? यहाँ 2 जगह और हुई। दो तीन जगह हुई है? हाँ, यहाँ कॉलोनी में पास में हुई, 2 जगह और हुई।